नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वी आर ब्यूटीफुल, और मैं हूँ आपकी दोस्त नताशा। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे उन वीडियोस पे जो मैंने प्रेगनेंसी से और वुमेन से रिलेटेड बनाई हैं। जो भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रही हूँ उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत सारी वीडियो इस टाइप की मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो इस टाइप की वीडियोज़ देखने के लिए और भी बहुत ज़्यादा वीडियो आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे शुरू करती हूँ मैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है जब वुमेन जो होती हैं, हमारी महिलाएं जो होती हैं, वो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको स्मेलिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्या जो स्मेल, कई बार ऐसा होता है कि कई सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में होते हैं, बोला जाता है जो आपको ओव्यूलेशन से लेके पीरियड तक के बीच में जो सिम्टम्स आते हैं वो सेम सिम्टम्स कई बार पीरियड वाले लोगों को भी आते हैं, तो उन चीज़ों में डिफरेंस क्या है? जो चीज़ आज मैं बता रही हूँ उन चीज़ों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ये वीडियो स्पेशली इसलिए है क्योंकि मेरे पास में जब मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप किस तरीके से बच सकते हैं, किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं, तो उसके बाद में मुझे जो है कमेंट किया था कि ये पीरियड से पहले भी होता है। हाँ जी, बहुत लोगों को होता है, मुझे भी होता है। तो डिफरेंस मैं बता देती हूँ कि आपको एक और बहुत बड़ा जो है एक पॉइंट पता चल जाएगा इसके बाद में कि क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जब भी आप प्रेग्नेंट हों, उससे पहले आपके फर्स्ट मंथ में जब आपके पीरियड आने वाले हैं, उससे पहले आपका ओवुलेशन के बाद में, हमने ओवुलेशन में रिलेशन रखा, उसके बाद में उससे जो पीरियड आने के बीच में जो टाइम होता है उसमें जो बच्चा है हमारा ओवली से निकलकर यूट्रस में आकर चिपकता है, उस टाइम के बीच में बच्चा आके चिपकता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं। वो जो सब भी दिक्कत आती है आपको, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में शेयर की थी, वो सब इसी कारण से आती है। कमजोरी महसूस होती है क्योंकि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा, वो जो भी चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा पावर खींच रही होती है, इससे कमजोरी आती है, दर्द रहता है कमर में और पैरों के निचले हिस्से में दर्द रहता है। इस टाइप की बहुत सारी दिक्कतें अलग अलग महिलाओं में अलग अलग पाई जाती है, बल्कि कुछ महिलाओं में कुछ भी दिक्कत नहीं होती और कुछ महिला में ऐसी होती है कि सेम वही दिक्कतें होती है जो पीरियड वाली होती है, और कुछ महिलाओं में कुछ भी परेशानी नहीं होती, बल्कि पीरियड टाइम में परेशानी होती है बट उस टाइम पे परेशानी नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है ये पहचानना कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं या नहीं। तो इनमें एक सबसे ज़्यादा जो है कॉमन चीज़ आएगी, सबसे पहले तो आपका जो दर्द होता है उस टाइम पे, पीरियड के टाइम पे जो दर्द होता है वो कंटिन्यूसली होता रहता है। प्रेगनेंसी का जो दर्द है वो कभी होता है कभी रुकता है, इस टाइप का दर्द होता है। दर्द कहाँ पे होता है? आपकी नाभि के निचले हिस्से में, जहाँ पर आपका यूट्रस होता है उस जगह पर दर्द होता है। कमर दर्द भी इसके साथ में होने लगता है। फिर एक चीज़ आती है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है चीज़ों की स्मेल करने में, यानी कि आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, आप कहीं भी जाते हैं आपको स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। कई लोग तो छोंक नहीं लगा सकते, आटे से स्मेल आती है, दूध जब उबलता है उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, इस टाइप की, मतलब उनकी जो सूंघने की शक्ति है इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो एकदम जो है दिमाग में चढ़ती है, जिससे कई महिला को वोमिटिंग वगैरह भी शुरू हो जाती है। उसका मैं बताऊंगी अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है। ये कब होता है? ये बहुत सी महिलाओं को शुरू के 3 महीने होता है, उसके बाद में थोड़ा कम हो जाता है, बट होती है उनको भी दिक्कत स्मेलिंग से। इससे बचने में क्या आपको करना चाहिए? अगर आपको भी ऐसी स्मेल की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, आप खाना नहीं बना पा रहे, तो खाना बनाते हुए बिल्कुल खुला कर दीजिएगा अपने घर को, जैसे कि आप एग्जॉस्ट फैन चला दीजिएगा, गेट खिड़कियाँ वगैरह सब खोल दीजिएगा, जिससे कि आपको जो स्मेल आए वो तुरंत बाहर चली जाए। पॉसिबल हो तो मुंह को बिल्कुल हल्के कपड़े से ढक लीजिएगा, और कपड़े पर आप ऐसा कुछ लगा सकते हैं जिससे जो कि स्मेल आपको ना चढ़े। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप? आपको जो वोमिटिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, तो पानी की कमी हमारे शरीर में हो जाती है जिससे बच्चे पर असर पड़ता है और प्रेगनेंसी में दिक्कत हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी लें, नींबू पानी पिए, या फिर आपको जो ओआरएस का घोल होता है जो न्यूज मशीन के बाद में पिया जाता है, ग्लूकोज की तरह वो काम करता है, वो घोल भी आप पी सकते हैं। इसके लिए बाहर कहीं जा रहे हैं, बाहर जाने में आप मार्केट में जा रहे हैं जब भी आपको दिक्कत होती है,
तो अवॉइड कीजिएगा इस तरीके की चीज़, क्योंकि इस तरीके से बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके वजह से दूसरों को भी प्रॉब्लम हो सकती है, अवॉइड कीजिएगा। अगर आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो सेम वही जो स्मेल वाली चीज़ मैंने बोली थी उसको अपने बैग में रखिएगा हैंकी के साथ में, और हैंकी को जब भी आप प्रॉब्लम हो अपने मुँह पर लगा लीजिएगा। तो ये थोड़ी जो सिम्टम्स हैं वो मैंने बताए हैं, और आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं प्रेगनेंसी और पीरियड में जब अंतर होता है वो सब मैंने आपको बता दिया। ये है हमारी एक छोटी सी पहल जो कि आपको इन परेशानियों से मुक्ति करा सके। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए वीडियो बनाने में, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो हमारे लिए भी बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है या फिर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्ते।